आका अलैहिस्सलाम ने ईमान की हकीकत अमाल को करार नहीं दिया, अपनी मोहब्बत और इश्क को करार दिया। ये वजह है सही बुखारी, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा और 50 कुतुब हदीस में यह हदीस कसरत के साथ मुख्तलिफ तरह और रुवात और असानीद के साथ आई है कि आका अलैहिस्सलाम माल गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। एक शख्स ने आकर बेअदबी की, एक शख्स ने आकर आका की बारगाह में गुस्ताखी की, सैयदना फारूक आजम तलवार लेके खड़े हो गए। आका इजाजत दें तो इस बेअदब गुस्ताख का सर कलम कर दूं। रोक दिया कि अभी इस्लाम ताकतवर नहीं हुआ, लोग कहीं ताना ना दें कि आपस में मारने लग गए। जब वो पुश्त करके हुजूर की तरफ चल पड़ा, पुश्त करके चल पड़ा, हदीस में आता है कि वो मुड़ के चल पड़ा, तो उसे हुजूर की तरफ पुश्त करने में कोई आर न थी, वो ऐसा शख्स था। चल पड़ा तो हुजूर ने फरमाया इसको देख लो, इसको देख लो। उसका सर मुड़ा हुआ था, उसकी दाढ़ी घनी थी, उसके गाल उभरे हुए थे, आंखें धसी हुई थी और तहबंद आधी पिंडली तक उठा हुआ था। यह था उसका लिबास और वजाकता, और वजाकता बताकर आका ने फरमाया इसको देख लो, इसकी नस्ल से कौम आएगी, आखिरी जमाने में इसकी नस्ल से कौम आएगी। इतनी नमाजें पढ़ेंगे कि हुजूर सहाबा से फरमा रहे हैं तुम अपनी नमाजें उनके मुकाबले में कम देखोगे, किसी और को नहीं सहाबा से फरमा रहे हैं। इतने रोजे रखेंगे कि अपने रोजे उनको कम नजर आएंगे उनके मुकाबले में, इतने अमल करेंगे कि तुम्हें अपने अमल उनके मुकाबले में कम नजर आएंगे। कसरत के साथ कुरान पढ़ेंगे मगर कुरान उनके हल्क से नीचे नहीं जाएगा। और सारा बयान करके अमल में कसीर होंगे, अमल में सबसे आगे होंगे। मगर फरमाया क्या, फरमाया अमल में सबसे आगे होंगे लेकिन यमर को मिन दीन कमा यमर को सामो मिन रमिया, दीन से इस तरह खारिज होंगे जिस तरह तीर शिकार से खारिज हो जाता है। तो पता चला नमाजें पढ़ने से ईमान की हिफाजत की जमानत नहीं मिलती, महज रोजे रखने से, महज नमाज पढ़ने से, महज तबलीग करने से, महज वजाकते से ईमान की हिफाजत नहीं। ईमान अमल का नाम नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत और मुस्तफा के अदब का नाम है। इश्क मुस्तफा है और अदब मुस्तफा है तो ईमान की हकीकत है। अगर दिल इश्क और अदब मुस्तफा से खाली है सारे अमाल दोजख का ईंधन बन जाएंगे, दोजख का ईंधन बन जाएंगे। सबसे पहले नई वीडियोस को हासिल करने के लिए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।